हाय, मैं हूँ आपके साथ चेतना कौशिक एंड वेलकम टू धर्मा लाइव। मैं इस वक्त लेकर आई हूँ आपके लिए आपकी इस हफ्ते की लव टैरो गाइडेंस। जी, प्यार जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये तो आप और हम दोनों ही जानते हैं, और ऐसे में कॉम्प्लेक्स प्यार के लिए थोड़े से सिंपल सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ इस टैरो गाइडेंस रीडिंग में। अब एक सिंपल सी चीज़ जो कि यहाँ पर होने वाली है, आप अपने लिए अपना सॉल्यूशन खुद चुनने वाले हैं। देखिए, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होती है, ऐसे में आपकी सिचुएशन के लिए आप कैसे अपनी गाइडेंस चुन सकते हैं ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर तीन क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल विच इज़ ब्लैक टॉर्मलिन, जो कि नेगेटिविटी को दूर रखता है और आपको प्रोटेक्शन देता है। द सेकेंड क्रिस्टल विच इज़ क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि आपके लिए फोकस और क्लैरिटी लेकर आता है। एंड द थर्ड क्रिस्टल इज़ रोज क्वार्ट्ज, यानी कि पिंक क्वार्ट्ज, जो कि आपके लिए लेकर आता है लव एंड उससे रिलेटेड सक्सेस। ऐसे में इन तीनों ही क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है वही क्रिस्टल बन जाता है आपकी रीडिंग। तो अगर आपको पसंद आया ब्लैक टॉर्मलिन तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग। अगर क्रिस्टल नंबर 2 यानी कि आपको पसंद आया क्लियर क्वार्ट्ज तो पाइल नंबर 2 है आपकी रीडिंग। और अगर आपको पसंद आया पिंक क्वार्ट्ज यानी कि रोज क्वार्ट्ज तो पाइल नंबर 3 है आपकी रीडिंग। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टॉर्मलिन के साथ। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम यहां पर पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। अगर आपने चुना है ब्लैक टॉर्मलिन तो ये है आपकी रीडिंग। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से आफ्टर लुकिंग ऑल अक्रॉस इज कि भाई देखिए, अभी अगर प्यार की मंजिल आप ढूंढ रहे हैं तो दोस्त वो थोड़ी सी दूर है। क्यों है इसकी तरफ मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सो दिस इज बेसिकली दिस हैज़ बिन योर पास्ट। आपने अपने पास्ट में यू आर दोज काइंड ऑफ पीपल जिन्होंने भी ये पाइल चुनी है, जिनको लगता था कि यार 22 तक जो है हम अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, 28 तक जो है हमारे पास एक बढ़िया वाली नौकरी हो जाएगी, 30 तक हम सेटल हो जाएंगे, सेविंग वेविंग सब कुछ कर देंगे, और उसके बाद 30 के तुरंत बाद शादी कर लेंगे एंड देन वी विल हैव आवर ओन। एंड बेसिकली एक पूरी की पूरी प्लान्ड लाइफ जो होती है ना वो आपकी थी। प्लान्ड लाइफ के लिए आपने शुरुआत भी कर दी थी, काफ़ी दूर तक आपने अपनी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं, काफ़ी दूर तक आपने अपना सोच जो है उसको रखा, काफ़ी दूरदर्शी भी रहे आप, बहुत सक्सेस भी मिली आपको, बट एट द सेम टाइम बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर मिस कर गए। ठीक है, ये चीज़ जो है जो कि मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के साथ हो जाता है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं ना लाइफ को, तो क्या होता है ना कि आप अपने आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना भूल जाते हैं। सी, बींग अ ह्यूमन इज़ अ वेरी डायनामिक एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आज जो है सिर्फ सूरज पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फिर रात नहीं होगी और चांद नहीं आएगा, राइट? यू विल हैव टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग एट द सेम टाइम। हाँ, मैंने माना कि भाई पढ़ाई आपको करनी है मगर दोस्त भी ज़रूरी हैं। हाँ, मैंने माना कि आपको खेलने जाना है मगर एट द सेम टाइम आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ऐसे में आप ना बहुत ज़्यादा वन टास्क मास्टर जो है वो हो गए थे। ये जो वन टास्क मास्टर आप बने, इसकी वजह से परेशानियां जो है वो थोड़ी सी आ गई। इसी की वजह से आप जो है कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर हो गए, कहीं ना कहीं उन फन एक्सपीरियंसेस से थोड़ा सा दूर हो गए, और आपको लगा कि यार मेरे दोस्त जो हैं वो शायद थोड़े से बेहतर प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ को, इट्स अबाउट टाइम कि मैं भी अपनी लाइफ को प्लान करना शुरू हो जाऊँ। तो ऐसे में मेजरली दिस इज लाइक एन अरेंज मैरिज सेटअप, और दिस इज लाइक अ सेटअप जिसके अंदर आपको दोस्तों को देखकर एक पीयर प्रेशर जो है, पीयर प्रेशर भी नहीं रहा था, फोमो जो है वो फील होता है, और ये जो फोमो आपको फील होता है उसकी वजह से आपने सोचा है कि लेट मी गेट इन टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप और लेट मी गेट इन टू दिस पर्टिकुलर सेटअप, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या कुछ भी हो। बट दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिन्स माई फ्रेंड। आप अभी जिस प्रेशर के साथ और जिस फोमो के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप इसी तरीके से अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे तो उसमें कुछ ऐसा ग्राउंडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक ग्राउंडिंग नहीं मिली है तो ना आप कमिट कर पा रहे हैं उस रिलेशनशिप के अंदर, ना दूसरा बंदा जो है वो कमिट कर पा रहा है रिलेशनशिप के अंदर। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, लेट लाइफ फ्लो, लेट क्रिएटिविटी भी, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने आप को समझने के लिए और उन्हें भी समझने के लिए। जब आप एक दूसरे को इस तरीके से टाइम देंगे ना, तभी जाकर आप आगे कुछ बेहतर चीज़ें, कुछ बेहतर डिसीजंस जो है वो ले पाएंगे। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चुना है क्लियर क्वार्ट्ज यानी कि पाइल नंबर 2, तो फिर ये है आपकी रीडिंग। और ऑल ओवर सबसे पहली चीज मैं आपको बता ये सकती हूं कि ठीक है, देयर आर सम डिसीजंस दैट आर टफ, बट यू ऑल्सो स्पेंड सम वेरी नाइस टाइम्स। नहीं, अभी वो होता है ना, लाइफ में बैलेंस की जरूरत होती है, अच्छा टाइम बिताया है तो अब थोड़ा सा टफ डिसीजंस वाला टाइम भी आपको बिताना पड़ेगा। जहां ये एक पहली सलाह जो है वो मैं आपको दे रही हूँ, लेट अस क्विकली बिगिन विद ऑन हाउ दिस इज गोइंग फॉर यू। सबसे पहले तो देखिए, ये चीज़ है कि आप में काफ़ी अच्छा इंट्यूशन है, आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, और आपकी तरफ जितनी भी चीज़ें आई हैं, खासकर प्यार को लेकर, खासकर रिलेशनशिप को लेकर, वो बड़ी ही ब्लेस्ड रही हैं। आपने ज़्यादातर अपने मन की बात जो है वो सुनी है, और जिनके साथ आपने मन की बात सुनी है
वो आपके साथ काफी अच्छे एक रिलेशनशिप में भी हैं, ये भी मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है. यस, सो इस वक्त के लिए जो मेजर मुझे एक प्रॉब्लम भी नहीं कहूंगी मैं, एक छोटा सा जिसे कहते हैं हर्डल मुझे दिख रहा है, वो है ये कि आपको लग रहा है कि यार ये टफ डिसीजंस अगर मैंने बना लिए तो फिर मेरी लाइफ आगे कैसी रहेगी. विल दिस पर्सन बी विद मी और नॉट. वेल, आपको एक चीज मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, ये जो इंसान है जिन्हें आपने चुना है, आप टफ डिसीजंस भी ले लें भले ही आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले जाएं. एंड यस, दैट इज द वन थिंग दैट आई एम मेजरली सीइंग हियर, कि बड़े सारे लोग सोच रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा. बिल्कुल करेगा आपके लिए. इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है ये खास आपके लिए बनाया गया है. वो होता है ना सम सोलमेट टाइप चीजें, तो वही. इनफैक्ट मैंने करियर रीडिंग जो है ना वो भी करी, वो करियर रीडिंग भी जाकर देखिएगा, वहां पर मैंने बताया कि ये जो कार्ड है ये बड़ा खास है. ये कार्ड जब भी आता है इस कार्ड के साथ दो और लोग जो है वो भी होते हैं, हु आर लाइक वेरी ओल्ड पीपल, एक आदमी और एक औरत होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं बेचारे, और दे आर ऑलवेज हियर प्रेजेंट इन दिस कार्ड इन स्पिरिट. और ये एक खास कार्ड होता है जो ये बताते हैं कि जिनके भी साथ, स्पेशली लव रीडिंग में अगर ये आता है कार्ड, तो इसका मतलब होता है जिनके भी साथ आप हैं उनके साथ आप बहुत लंबा समय जो है वो गुजारने वाले हैं. तो ऐसे में अगर आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ एक टफ डिसीजन बनाना है, स्पेशली करियर को लेकर है, जहां पर मे बी अपने करियर को लेकर आपको कहीं रिलोकेट होना पड़ रहा है, या फिर आपको आगे की पढ़ाई जो उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, मे बी आप तो पुट योर कमिटमेंट ऑन होल्ड, एज इन यू नो शादी अगर करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखना पड़ रहा है. मगर कुछ भी अगर होने वाला है आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं नहीं जा रहा है. द पर्सन दैट यू हैव इन माइंड इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू. इस चीज को ध्यान रख के, इस पूरी श्योरिटी के साथ, इस पूरे अश्योरेंस के साथ आप अपना अगला डिसीजन जो है वो लीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर अकेले भी और इनके साथ भी बहुत ब्राइट है. तो इसके साथ ही ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग. अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ. अगर आपने चुना पाइल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग. और मैं यही कहना चाहूंगी फॉर ऑल द पीपल हु हैव चोजन दिस रीडिंग, मे बी या तो दो सूरतें हो सकती हैं, आपने काफी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हैं और अब जाकर आपने सोचा है कि थोड़ा सा कुछ चेंज जो है वो हम देखना चाहेंगे. दूसरा ये हो सकता है कि आप अभी भी किसी से मिले हैं और ये जिनसे भी आप मिले हैं इनको देखकर आपको लगता है कि यार ऐसी केमिस्ट्री तो मैंने कभी देखी ही नहीं, या ऐसी केमिस्ट्री तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था या सोच भी नहीं सकती थी. अगर ऐसा कुछ भी है देन आई मस्ट से कि ऐसा क्यों है ये आपको इस पूरी रीडिंग के एंड तक ही पता चलेगा. शुरू करते हैं सबसे पहले. तो भाई यहाँ पर मैं बहुत ही क्लियरली आपको कह सकती हूँ कि ये जो भी रिलेशनशिप आपके पास आया है, ये जो भी इंसान है जो कि आपके पास आए हैं, ये पूरा दिल खोल कर आपके पास आए हैं. दिस पर्सन हुज कम टू यू, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं, दे हैव बीन इन योर लाइफ फॉर क्वाइट सम टाइम और दे हैव गिवन यू दिस रियली ब्यूटिफुल सिंक इन देयर लाइफ, जहाँ पर ये जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आपको मिले हैं जहाँ पर आपने सोचा भी नहीं था कि प्यार या ऐसी दोस्ती जो है वो आपको मिल सकती है, बट वो मिली आपको और पूरे दिल से मिली. और मैंने आपको बताया भी कि क्यों. दिस वॉज ऑल डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड. कुछ चीज़ें होती हैं जो भगवान हमें तोहफे की तरह दे देते हैं और उन चीज़ों पर हमें कभी डाउट नहीं करना चाहिए. ये एक चीज़ जो है मैं आपको कहूँगी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपका कार्ड कह रहा है. ठीक है, नाउ गोइंग टू द मेन पोर्शन ऑफ द रीडिंग विच इज़ फॉर द प्रेजेंट, जहाँ पर मैं आप ये तो डेफिनेटली देख सकती हूँ कि आप इनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, आप इनके साथ काफ़ी अच्छा भी फील करते हैं, दोस्तों के साथ, इन सभी के साथ आपको बहुत अच्छा, बहुत ही फैमिली वाली वाइब जो है वो आती है. इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इनसे फैमिली को मिलाना चाहिए कि नहीं, ज़रूर मिलाइए. अगर आपने अभी तक ऑलरेडी मिला दिया है तो आप समझ ही गए होंगे कि फैमिली भी इनको कितना पसंद करती है. अगर थोड़ा बहुत नापसंद जो है वो बीच में किसी का आया भी है, क्योंकि कुछ बड़े बूढ़ों का हो सकता है यहाँ पर इशू, बट वो बड़े बूढ़े भी बड़ी जल्दी ही मान जाएंगे, उनको भी दिख जाएगा कि क्या चीज़ें जो उनमें इतनी अच्छी हैं. और अब मैं चलती हूँ आपकी आने वाली लाइफ की तरफ. आने वाली जो लाइफ है वो बहुत ही खूबसूरत है. देखिए, आने वाली लाइफ जो है वो कुछ ऐसी है जहाँ पर आपके लिए there'll be a lot of opportunities to fall in love and to be in love. बहुत सारे लोग जो हैं उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ड्रीम वेडिंग जो है वो चाहते थे इनके साथ, या एक ड्रीम लाइफ चाहते थे. यहाँ के लिए शॉर्ट टर्म ही दिख रहा है कि वेडिंग जो है वो, बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ आल्सो लुकिंग फॉर अ ड्रीम लाइफ. होते हैं ना कुछ लोग, उनको ये लगता है कि वेडिंग तो एक ही दिन की होती है यार, बाकी की ज़िंदगी बितानी पड़ेगी. बाकी की ज़िंदगी का सवाल भी जो यहाँ पर है ना, वो बहुत ही अच्छे से आंसर किया जा रहा है कि बाकी की ज़िंदगी भी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. मीनवाइल मैं आपको एक और चीज़ जो वो यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएँ. वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप ना अपना जो रिलेशनशिप है उसको सबके सामने गा देते हैं. होता है ना कुछ लोगों को, यार मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना अच्छा है, या मेरी गर्लफ्रेंड तो इतनी प्यारी है, या मेरे हस्बैंड ने तो ऐसा कर दिया, मेरी बीवी तो ऐसे करती है,
ये जो चीज़ें आप लोगों के सामने जाकर बोल देते हैं ना, उसकी वजह से नज़र जो है देखिए वो लग ही जाती है। तो अपनी क्लेंजिंग जो है वो भी ज़रूर कीजिएगा, अपनी और अपने पार्टनर की नज़र जो है वो ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जहाँ ये सारी की सारी रीडिंग जो है ये मैंने आपको बताई, इसके साथ ही थर्ड पाइल जो है उसकी रीडिंग भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपने कौन सा पाइल चुना मुझे नीचे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और ऐसे ही और गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।